ये देखिए KNA इलेक्ट्रिक बेलिंग, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर क्या दिक्कत आ रही है कि स्कूटी की जो बैटरी या मीटर उसका इशू रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा। लक्ष्य और वंश लगातार परेशान है कि इशू क्लियर नहीं हो रहा है, इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। आज अंदर जाके बात करेंगे और क्लियर करेंगे। हाँ जी, तो देवकी नारायण जी, किस्मत जी आप बता रहे थे कि बैटरी जो है फैल्कन की वो इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है एग्जैक्टली आप बताइए। इसमें स्पीडोमीटर का इशू है, स्पीडोमीटर इलेक्ट्रिक मीटर के हिसाब से नहीं है, तो कंपनी ने बोला चेंज करने के लिए। उन्होंने हमारे पास 2 मीटर भेजे भी हैं चेंज करने के लिए, वो अभी कोरियर के थ्रू आ रहे हैं, अभी हमारे पास रिसीव नहीं हुए हैं। तो इशू एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि बैटरी दिखाती नहीं है कि कितना चार्ज है, मीटर दिखाता नहीं है कितना चार्ज है, तो अगर कोई चार्ज करे तो जाए कैसे? नहीं सर, ये चीज़ हमने कंपनी को एड्रेस की है, कंपनी ने ये सोल्यूशन दिया कि उसका स्पीडोमीटर रिप्लेस होगा। कंपनी कहाँ है इनकी? मानेसर में है। मानेसर में है, कब तक करेंगे वो ठीक? उन्होंने रिप्लेसमेंट दी है, दो की रिप्लेसमेंट दी है, कोरियर सेंड भी कर दिया, अभी हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होते हुए आपके व्हीकल में लगा दिया जाएगा। अच्छा, किस्मत जी मेरी आपसे बात हो रही थी, आप मुझे एक बार बताइए कि ये प्रोसेस अगर आप ऐसे ही रहेगा तो ये सॉल्व कैसे होगा, मुझे ये भी तो समझाइए सॉल्व होगा कैसे, कस्टमर परेशान रहेंगे तो फिर कैसे रेफरेंस देंगे आगे? सोल सर मीटर आते सोल है, लेकिन मीटर कितने दिनों से नहीं आया या महीनों से कहूँ मैं? देखो, उन्होंने हमारे को जो बताया है आगे कंपनी ने, जिनकी हमने बेलिंग की डीलरशिप ले रखी है गुड़गांव से, ठीक है, हमारी कंपनी है KNA इलेक्ट्रिक, हमने डीलरशिप बेलिंग की ले रखी है, ठीक है, और वहाँ से उन्होंने 10 दिन से कोरियर भेज रखा है, वो कोरियर अभी तक हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है, जैसे ही कोरियर रिसीव होता है सोल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये बैटरी में अक्सर इशू रहता है, ये मीटर का या फिर? नहीं, न्यू मॉडल आया LFP बैटरी में, पहले लिथियम बैटरी आती थी इसके, हाँ ये LFP न्यू आया। तो लिथियम में इशू है आप कह रहे हैं? लिथियम में नहीं इशू है, तो हमारी तो लिथियम है ना, आपकी LFP है, LFP है, लिथियम बैटरी नहीं है, लिथियम लिथियम से अपर होती है सर LFP बैटरी। अच्छा, हाँ जी, लेकिन अब बच्चे चला नहीं पा रहे हैं स्कूटी क्योंकि उनको पता ही नहीं लग रहा कितनी चार्ज हुई है कितनी नहीं चार्ज हुई है, तो बिल्कुल समझ सकते हैं सर। तो ये अगर आप समझ सकते हैं तो वो तो 3 महीने हो गए, आपने 10 दिन पहले कोरियर किया है, लेकिन जब से हमने लिया है तब से कंपनी ने किया कि बेलिंग से कोरियर की हमने डीलरशिप ले रखी है, तो वो क्या कह रहे हैं? कोरियर कर दिया है बस खत्म, उसके बाद कस्टमर परेशान उसके हो बाद कहां जाए? लोग कोरियर कंपनी से ले रहे हैं 10 दिन से, तो इसका सॉल्यूशन समाधान कोई जल्दी हो सकता है? जल्दी हो सकता है, जैसे जाके जहां बोले, जहां कोरियर कंपनी बोले विकासपुरी जाके लाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल लाया जा सकता है, कर दीजिए, हमें बताएंगे तभी तो ला पाएंगे ना। आपने बोला एग्जैक्ट एड्रेस हमें दे, कॉल करिए अभी आप कॉल करिए तुरंत, कोरियर जो आपको नंबर दिया गया है उनसे पूछिए कहाँ पर कोरियर पहुंचा है, मैं चलूंगा यार आपके साथ लेने हैं। अच्छा, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है, 15-20 मिनट यहाँ बैठेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक कस्टमर तो खुश होगा, आगे अच्छे रिव्यू देगा आपके। बिल्कुल, तो आप एक बार कॉल करिए उनको, पूछिए कोरियर वालों को कहाँ है, आपके पास नंबर है ना, कॉल करिए एक बार, लगाइए कॉल। तो बेलिंग डीलरशिप से मिलने के बाद ये लग रहा है कि जो इनकी मैन्युफैक्चरर है गुड़गांव में मानेसर में, कमी वहीं से है, ये जो बैटरी या मीटर की जो कमी है ये प्रॉपरली वहीं से है, वहाँ पर उनके पास प्रॉपरली ये मीटर है नहीं, उनके पास 2 मीटर थे, उन्होंने कोरियर कर दिया है, कोरियर कहीं जाके फंस गया, तो ये मामला पूरा कोरियर कंपनी में जा चुका है। तो ये वही बता रहे थे किस्मत और देवकी नंदन कि वहाँ से कोरियर फंस गया, तो अब हम कोरियर वालों से फाइट करेंगे, कोरियर कब आएगा, कोरियर वालों के साथ काफ़ी कहा सुनी हुई है, मुझे उन्होंने ऑडियो वॉइस कॉल भी सुनाई, तो बहुत ही अलग लेवल पे कॉल चली गई। तो बेलिंग से जो डाइवर्ट हो गया मामला पूरा कोरियर कंपनी पे चला गया, कोरियर कंपनी से जब प्रोडक्ट आएगा तब वो प्रोडक्ट वश और लक्ष्य के पास भेजेंगे और वो लगाएंगे, ये वादा किया है इन लोगों ने। लेकिन अल्टीमेटली मैं सोचता हूँ जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, स्कूटी लॉन्च कर रहे हो, कोई कमी आ रही है, तो आपको फटाफट से उस चीज़ को ठीक करना चाहिए ताकि लोगों के पास फीडबैक रिकमेंडेशन रेफरेंस अच्छी जाए। तो ये पूरी की पूरी बेलिंग की प्लानिंग मैं बोलूँगा ठप हो गई है। डीलरशिप को मैं क्या बोलूँ, वो भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, हर बार उनको ये लगता है कि डिपेंडेंसी है, जब तक प्रोडक्ट आएगा नहीं तब तक वो देंगे कैसे।
तो इनकी मतलब खिचड़ी में मैं तो सिर्फ ये बोल गया है कि मुझे प्रोडक्ट से मतलब है, प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मंगवा दो, लगवा दो, ताकि कम से कम ये हो जाए कि गाड़ी हमारी सही हो जाए, फैल्कन बेल्लिंग का जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो ठीक हो जाए। जैसे ही आएगा बैटरी का काम या फिर मीटर का काम सही होगा, अगली बार फिर बताऊँगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। साइनिंग ऑफ फिर इंद्र रोशन, गुड बाय।